Hello and assalamu alaikum. Sabiha Imran here once again with a new topic at Park English Link. And the topic I've brought for you today is active and passive voice. Active passive voice ke is part mein hum baat karenge ki active and passive voice hain kya, inme kya fark hota hai aur kahan passive voice istemal karna hai aur kahan passive voice nahi istemal karna. Active passive voice ki kuch misale dekhte hain taaki pata chal sake ki ye hote kya hain. She washed the floor. उसने फर्श धोया. The floor was washed by her. फर्श उससे धोया गया. He bought a new house. उसने एक नया घर खरीदा. A new house was bought by him. एक नया घर उससे खरीदा गया. The police caught the thief. पुलिस ने चोर को पकड़ा. The thief was caught by the police. चोर पुलिस से पकड़ लिया गया. यहाँ आपने नोट कर लिया होगा कि दरअसल एक्टिव पैसिव दोनों तरह की जुमलों में एक ही बात दो मुख्तलिफ तरीक़ों से की जा रही है. इनके बीच फ़र्क को मज़ीद समझने के लिए हम एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं. एक्टिव सेंटेंस है, आई रोट अ लेटर. मैंने एक ख़त लिखा. इसकी पैसिव वॉइस है, अ लेटर वॉज रिटन बाय मी. एक ख़त मुझसे लिखा गया. एक्टिव पैसिव वॉइस समझने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एजेंट, एक्शन और रिसीवर क्या होते हैं. ये जो सेंटेंस है, आई रोट अ लेटर, इसमें एक्शन रोट है यानी लिखा. जो लिख रहा है वो एजेंट है यानी कि डूअर ऑफ द एक्शन. जबकि लिखने का असर या इफ़ेक्ट किसने रिसीव किया है तो वो है लेटर यानी ख़त. जो भी जुमला आपको पैसिव में तब्दील करना हो, सबसे पहले उसमें एक्शन, एजेंट और रिसीवर की पहचान करनी ज़रूरी है. अगर इन दोनों जुमलों को मज़ीद एनालाइज किया जाए या इनका तजज़िया किया जाए तो पता चलता है कि एक्टिव वॉइस का मेन फोकस एजेंट है यानी किसने क्या किया, जबकि पैसिव वॉइस में ये फोकस रिसीवर पर होता है कि रिसीवर के साथ क्या हुआ. एक और अहम बात यह भी है कि पैसिव वॉइस में वर्ब बी की कोई भी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, जो कि हम इस वीडियो के अगले पार्ट में सीखेंगे, जिससे मालूम होता है कि दरअसल एक्शन रिसीवर ने परफॉर्म नहीं किया है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेयर और इन व्हाट सिचुएशंस पैसिव वॉइस कैन बी यूज्ड, यानी किन हालात और वाकयात में पैसिव वॉइस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं. तो जनाब, चार ऐसी सिचुएशंस हैं, कॉमन सिचुएशंस हैं, जिसमें हम पैसिव को प्रीफर करते हैं. पैसिव वॉइस का पहला इस्तेमाल है उस वक्त जब काम करने वाला या एजेंट नोन हो, यानी सबको पता हो कि ये काम कौन कर सकता है, या फिर आप काम करने वाले को अहम नहीं समझते बल्कि काम को अहम समझते हैं. मिसाल के तौर पर, दे हैव डिस्पोज्ड ऑफ द गार्बेज. इसका पैसिव वॉइस होगा, द गार्बेज हैज़ बीन डिस्पोज्ड ऑफ, यानी कचरा ठिकाने लगाया जा चुका है. इसकी अहमियत नहीं है कि किसने ये काम किया, अहमियत इस बात की है कि आपकी सड़क साफ़ हो गई. पैसिव वॉइस वहाँ भी इस्तेमाल करते हैं जब एजेंट को आप नहीं जानते. फॉर एग्ज़ाम्पल, समवन ब्रोक द प्लांट पॉट लास्ट वीक. चूँकि यहाँ एजेंट अननोन है, आप पैसिव वॉइस इस्तेमाल कर सकते हैं. द प्लांट पॉट वॉज ब्रोकन लास्ट वीक. गमला पिछले हफ्ते तोड़ दिया गया. अब आ जाते हैं पैसिव वॉइस के थर्ड इस्तेमाल की तरफ, दैट इज़ व्हेन द एजेंट इज़ ऑब्वियस और अंडरस्टूड. फॉर एग्ज़ाम्पल, द पेशेंट वॉज ऑपरेटेड ऑन लास्ट वीक. मरीज़ का गुज़श्ता हफ्ते ऑपरेशन किया गया. नाउ इट इज़ टू ऑब्वियस डैट ऑपरेशन सिर्फ सर्जन ही कर सकता है. सो पैसिव वॉइस तरह की सिचुएशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. अब बढ़ते हैं पैसिव वॉइस के आखिरी यानी फोर्थ इस्तेमाल की तरफ, जो कि किसी टॉपिक की डेवलपमेंट के हवाले से है, यानी जब आपको किसी मौजू पर मज़ीद बात करनी हो. मिसाल के तौर पर, फ़र्ज़ करें कि आप ड्रामा जूलियस सीज़र के बारे में कुछ लिख रहे हैं. इन दो जुमलों को साथ पढ़िए. जूलियस सीज़र इज़ अ फेमस ट्रेजिक ड्रामा, शेक्सपियर रोट इट. यहाँ आपने महसूस किया होगा कि जो दूसरा सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट पहले जुमले के सब्जेक्ट से मुख्तलिफ है,
तो इन दोनों जुमलों के बीच हार्मनी या बैलेंस लाने के लिए दूसरे जुमले को पैसिव में करना ज़रूरी है। नाउ रीड दीज टू सेंटेंसेस। जूलियस सीजर इज़ अ फेमस ट्रेजिक ड्रामा। इट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर। यहाँ दूसरे जुमले का सब्जेक्ट इट जूलियस सीजर के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब ये दोनों जुमले बैलेंस्ड हैं, यानी हार्मोनाइज्ड हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पैसिव वॉइस को कहाँ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसको समझने के लिए याद रखें कि जो रिलेशनशिप है एजेंट और रिसीवर के दरमियान, यानी काम करने वाले और काम का असर रिसीव करने वाले के बीच जो ताल्लुक़ है वो बहुत अहम है। अगर ये ताल्लुक़ जुमले में मौजूद नहीं है तो आप इस जुमले को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका असर या इफ़ेक्ट किसी रिसीवर तक नहीं पहुंचता। ऐसे वर्ब्स को इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ सैड या द हॉर्स गैलप्स। यहाँ पर इज़ और गैलप का इफ़ेक्ट किसी रिसीवर तक नहीं जा रहा है, बल्कि एजेंट की ज़ात तक महदूद है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि सेंटेंसेस विद इनट्रांजिटिव वर्ब्स कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस, और इनट्रांजिटिव वर्ब वाले जुमलों को पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं किया जा सकता। एक और अहम बात, हम पैसिव वॉइस को लिखने में ज़्यादा और बोलचाल में बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। सो इट इज़ ओके टू से दे हैव डिस्पोज्ड ऑफ द गार्बेज, बट इन ब्लैक एंड वाइट इट इज़ बेटर टू राइट द गार्बेज हैज़ बीन डिस्पोज्ड ऑफ। अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे उन तरीकों की जिनकी मदद से आप तब्दील कर सकते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में। आई होप दिस वीडियो हैज़ एडेड अप टू योर नॉलेज। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर पार्क इंग्लिश लिंक। दिस इज़ सबीहा इमरान सेइंग गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।